एमएसी स्टडी कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल में बेहतर अंक लाकर संस्थान का नाम किया रोशन। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर दी बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना। रागिनी सिंह मिलकर छात्राएं हुई खुश, रागिनी सिंह के साथ लिए सेल्फी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में एमएससी स्टडी कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। हर साल की तरह बेहतर रिजल्ट देने की परंपरा को जारी रखते हुए कोचिंग संस्थान के सभी विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट, कला, वाणिज्य और विज्ञान तथा मैट्रिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी संस्थान के इंटर आर्ट्स की छात्रा रिया कुमारी 7वां और सिमरन कुमारी 8वें स्थान पर रहीं। मैट्रिक में निखिल सिंह, राजीव पासवान, नीति कुमारी, संध्या कुमारी और अपराजिता कुमारी टॉपर रहीं। विज्ञान में आकांक्षा कुमारी, गुड़िया कुमारी, संध्या कुमारी, प्रिंस विश्वकर्मा, अफरीदी खान, सुमित साव, जीवा अख्तर, सुमित सिंह टॉपर रहे। इसी खुशी में संस्थान द्वारा लोगों के बीच मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह द्वारा सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रागिनी सिंह ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई दिक्कत हो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें। संस्थान के निर्देशक गुड्डू सर ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि एमएससी स्टडी शुरू से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए कृत संकल्प रहा है। यह परिणाम इस संस्थान के शिक्षकों के समर्पित प्रयास एवं उचित मार्गदर्शन एवं विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत प्रतिफल है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अपने बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेंगे। संस्थान सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मतलब इस बार आर्ट्स में बच्चे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं और डिस्ट्रिक्ट में 7वां-8वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिया कुमारी का और ये सिमरन कुमारी, इनका अच्छा रिजल्ट हुआ है। तो इसी खुशी में हम लोग चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों को मतलब वो मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि और भी बच्चे इससे अच्छा और भी कर सके। और इनका इनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाह रहे हैं ताकि ये लोग मेहनत किए हैं तो इनको लगे कि मेरे लिए जो भी किया गया है बहुत अच्छा है और इन लोगों को संतुष्टि भी हो थोड़ा सा। और आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और इससे और बेहतर डिस्ट्रिक्ट क्या स्टेट में भी रैंक लाएँ और अपने आप का अपना जो फ्यूचर है वो अच्छा ब्राइट करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मीडिया भाई भी आए हैं। कितना स्टूडेंट होगा सर आपके स्टूडेंट? करीब करीब स्टूडेंट तो हमारे यहाँ मतलब इस बार एग्ज़ाम 100 से प्लस ही दिए थे, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट हमारा 10th में 85% हाईएस्ट गया और साइंस का जो स्टूडेंट है उसमें हमारा 80% हाईएस्ट गया, जो कि प्रिंस कुमार हुए, इनका सबसे अच्छा हाईएस्ट रहा इस बार। थोड़ा सा और हम लोग मेहनत करना चाहेंगे क्योंकि इससे संतुष्ट तो नहीं है, बट बहुत अच्छा रहा इस बार, बहुत मेहनत रहा। तो और भी जो स्टूडेंट उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम और भी स्टूडेंट के लिए संदेश देना चाहेंगे कि वो अगर रैंक या नंबर से परेशान ना हो, अगर जो भी आया वो एक्सेप्ट कर लें उसको और जीवन में आगे बढ़ें और अपना लक्ष्य को निर्धारित करके रखें। डरे नहीं, अब परेशान ना हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, वो कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। अभी तक कितने स्टूडेंट आपके संस्थान में? हमारे संस्थान में कम से कम 400 स्टूडेंट करीब करीब है प्लस इसमें। तो इसमें मतलब कि हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का भविष्य इसी तरह से बनता रहे और हम उसमें बहुत प्रयास करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि सबका योगदान भी रहे और मेरा भी साथ रहे, इससे सबका भविष्य जरूर बनेगा।